हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम डायमेंशन कर रहे थे, तो बेसिक डायमेंशन तो आपको पता है। इससे रिलेटेड हमने थोड़े बहुत कुछ मैंने आपको बताया था कि बेसिक डायमेंशन आपको पता होने चाहिए, जैसे फोर्स के, इसके पावर के, मोमेंटम के, जो आपने नाइन्थ में पढ़े हैं, जो भी चीज़ें आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं उनके डायमेंशन आपको पता होने चाहिए। अब देखो, बेसिक तो आपको पता ही है, सात बेसिक क्वांटिटी हैं, मास एम, लेंथ एल, टाइम टी, टेम्परेचर के, करंट ए, ब्राइटनेस या ल्यूमिन इंटेंसिटी के सी डी, कैंडला और अमाउंट ऑफ मैटर के मोल। अब मैं बता रहा हूँ यूज ऑफ डायमेंशन, और ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अभी देख लेना ध्यान से। यूजेस ऑफ डायमेंशंस, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं डायमेंशन, इसके क्या पॉजिटिव यूज हम कर सकते हैं? तो इसके तीन यूज हैं। देखो, टू चेक फॉर्मूला, सेकेंड है टू ड्राइव फॉर्मूला, और थर्ड है टू कन्वर्ट यूनिट सिस्टम्स। तो अभी इनको वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम ये ऊपर वाले दो डिस्कस करेंगे। हम एक फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं, अभी देखते हैं, हम ड्राइव भी कर सकते हैं, और तीसरा वो नए लेक्चर में बनाऊंगा, टू कन्वर्ट यूनिट सिस्टम, वो भी अपलोड कर दिया जाएगा और वो आप उसको बाद में देखना। तो वन बाय वन हम उसको यूज कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट यूज जो है उसका, वो है टू चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। मैं कोई भी फॉर्मूला यहां लिख देता हूं और मैं कहता हूं कि इसको चेक करोगे वो फॉर्मूला सही है कि गलत है, तो हमें डायमेंशन से उसको चेक करना है। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे मैं कोई फॉर्मूला लिख देता हूं, पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वेलोसिटी। तो यहां पर पी क्या है? पावर। एफ के फोर्स, वी के वेलोसिटी। मैं कहता हूँ चेक करो ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। देखो ये फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, हो सकता है पढ़ा भी हो। अभी आप इसको चेक करते हैं। तो पावर के डायमेंशन याद करो, अगर आपको नहीं याद है तो बुक से देखो, बाय हार्ट के होने चाहिए अब तो। आप तो मैं पावर के डायमेंशन लिख देता हूँ। पावर के डायमेंशन होते हैं एम वन, एल टू, टी माइनस थ्री। इधर फोर्स के डायमेंशन, फोर्स के डायमेंशन है एम वन, L1, T-2, और वेलोसिटी के डायमेंशन होते हैं L, T-1। तो ये पावर के, ये फोर्स के, ये वेलोसिटी के। तो देखो इधर RHS में क्या आ गया, M1, L और L, L2, T की माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। तो M1, L2, T-3। तो डायमेंशन ऑफ LHS किसके कुल आ गए? डायमेंशन ऑफ RHS के। तो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। देखो मैं ये लिख रहा, मैं ऐसे नहीं लिख सकता, दिस फॉर्मूला इज, मैं करेक्ट नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? डायमेंशनली करेक्ट। और इस वर्ड का इसको ध्यान से देखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताता हूँ अभी क्यों। तो पहला यूज तो आपने सिंपल देखा क्या है, कि हम किसी फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला सही है कि नहीं। कैसे? इक्वल टू के दोनों साइड के डायमेंशन निकाल दो, अगर सेम आते हैं तो सही होगा। चल देखो एक फॉर्मूला मैं और पकड़ता हूँ जो आपने कभी पढ़ा होगा नाइन्थ में। अब उसको डायमेंशन ही चेक करते हैं। वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू टू ए एस। अब मुझे नहीं लगता इसमें आपको बताने की जरूरत है क्या है। वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, एस डिस्प्लेसमेंट, और टू, टू तो आपको पता ही है। अब ये फॉर्मूला आपको पता सही है, अब इसको डायमेंशन ही चेक करते हैं। देखो कैसे, वेलोसिटी के डायमेंशन एल वन टी माइनस वन, उसका स्केयर है, माइनस ये भी वेलोसिटी है, इसके भी एल वन टी माइनस वन का स्केयर। टू के तो डायमेंशन है ही नहीं, टू इज डायमेंशनलेस। एक्सेलरेशन के एल टी माइनस टू, और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और उसके डायमेंशन क्या होंगे? एल। तो देखो इधर आएगा एल स्केयर टी माइनस टू, एल स्केयर टी माइनस टू, एल स्केयर टी माइनस टू। अब देखो याद करो डायमेंशन में क्या था, L प्लस एल इजिकल टू क्या था? L, और L माइनस L भी क्या था? L। मींस सेम डायमेंशन में से सेम डायमेंशन माइनस करोगे तो वही आएगा, और कर भी उसी को सकते हैं। तो ये तो इसको माइनस करोगे तो ये यही आने वाला है, इजिकल टू क्या आ गया? L T माइनस के। तो दोनों साइड के डायमेंशन क्या आ गए? सेम। तो दिस फॉर्मूला, अगेन मैं नहीं बोल रहा हूँ दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, मैं बोल रहा हूँ दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अब मैं बार बार डायमेंशनली क्यों बोल रहा हूँ? देखो मैं एक फॉर्मूला आपको देता हूँ, चेक दिस फॉर्मूला।
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 7/3 mv². इसको अपन डायमेंशनली चेक करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 l2 t-2। 7/3 के तो डायमेंशन है नहीं, मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1 का स्केयर। तो इधर क्या है m1 l2 t-2 और इधर क्या आएगा m1 l2, देखो स्केयर करोगे तो t-2। तो डायमेंशन ऑफ LHS किसके कुल आ गए, डायमेंशन ऑफ RHS के। मैं फिर लिख देता हूँ, दिस फॉर्मूला इज, जो ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया था क्या, काइनेटिक एनर्जी 7/3 mv², दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। अब हमें पता है ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv². काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv², और हमने क्या लिखा था, 7/3 mv², अब ये तो गलत है। तो ये डायमेंशन की एक लिमिटेशन है, आगे लिमिटेशन भी हमें पढ़नी है, ध्यान रखना भी। डायमेंशन की लिमिटेशन क्या है, जिसके डायमेंशन नहीं है, जैसे 7/3 के डायमेंशन नहीं है, पाई के डायमेंशन नहीं है, उनका डायमेंशन कुछ नहीं कर सकता, उनके बारे में वो कुछ नहीं बता सकता। ओके, डायमेंशन के अकॉर्डिंग 7/3, 3/15, 3/16, 100/2 कुछ भी लिख दो, उसके लिए तो ये फॉर्मूला सही है। तो डायमेंशन सिर्फ क्या चेक कर सकता है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, एक्चुअली करेक्ट नहीं है। उसके और मेथड है जो फिजिक्स में बहुत सारे हैं, जो आप बाद में करेंगे। तो अब देखो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसी का। अब मैं आपको कहता हूँ सर्कल, सर्कल की सर्कमफेरेंस, आई होप सबको पता होगा इसकी रेडियस आर, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अब सर्कमफेरेंस भी लेंथ है, उसके डायमेंशन एल, 2π के डायमेंशन है नहीं, रेडियस के डायमेंशन भी एल, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। अब डायमेंशन को नहीं पता चलेगा, अगर मैं सर्कमफेरेंस को लिख दूँ कल्ला आर, या मैं सर्कमफेरेंस को लिख दूँ पाई आर, या मैं सर्कमफेरेंस को लिख दूँ 7πr, इसके लिए सारे फॉर्मूले सही है। ओके, तो पहला यूज डायमेंशन का क्या था, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला एंड कीप इट माइंड इसकी लिमिटेशन क्या है। ये फॉर्मूला आपको सिर्फ इतना बता सकता है कि इधर के डायमेंशन और इधर के डायमेंशन इक्वल टू के राइट हैंड साइड की यूनिट और लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट सही है, फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है वो ये नहीं बता सकता, ये इसकी लिमिटेशन है। और फॉर्मूला कैसे करेक्ट होगा वो बाद की बात है, वो बाद में आप पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे मेथड है फिजिक्स में। तो डायमेंशन का पहला यूज़ है, आपको पेपर में अगर लिखा आता है ये फॉर्मूला आ गया पेपर में कि चेक करो ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, कि काइनेटिक एनर्जी का 7/3 mv², तो आपको क्या करना है, आपको इसको डायमेंशनली करेक्ट लिख के आना है, आप इसको गलत मत लिख देना, आप अपनी कॉमन सेंस मत लगा देना कि काइनेटिक एनर्जी तो 1/2 mv² होती है, इसके अकॉर्डिंग सही है। अगर पेपर में ये भी आता देखो कि सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू रेडियस, तो डायमेंशनली ये भी करेक्ट है। अगर ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता क्या होती है mgh, अगर ये आ गया 100 mgh, आप गलत नहीं कह सकते, डायमेंशनली ये करेक्ट है, क्योंकि कॉन्स्टेंट के बारे में ये कुछ नहीं बताता। तो ये फर्स्ट यूज था डायमेंशन एनालिसिस का। अब सेकेंड देखो, सेकेंड थोड़ा ध्यान से देखना अभी, सेकेंड क्या है, टू ड्राइव फॉर्मूला। हम फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हैं। ओके, अब देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे। अब कुछ भी मैं आपको कहता हूँ, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं इसको डायमेंशन फॉर्मूले से ड्राइव करके दिखाता हूँ ध्यान से देखना भी ये इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट है टू ड्राइव फॉर्मूला वाला। देखो ध्यान से, मैं कहता हूँ कि फोर्स, ये पेपर में नहीं आए, पेपर में ये क्वेश्चन, फोर्स डिपेंड ऑन मास एंड एक्सेलरेशन, ड्राइव फॉर्मूला फॉर फोर्स। ओके, तो सिंपल ये क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फोर्स डिपेंड ऑन मास एंड एक्सेलरेशन, ड्राइव फॉर्मूला फॉर फोर्स। तो अब देखो, फोर्स डिपेंड ऑन मास एंड एक्सेलरेशन, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, आपको भी पता है किसका साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। देखो ये फॉर्मूला आपको पता है, आपको हो सकता है पता ना हो कि m की पावर 2 आएगी 3 आएगी, हमें पता नहीं है। तो मैं m की पावर ले लेता हूँ b और a की पावर ले लेता हूँ c।
अब वो कुछ भी आ सकती है, देखते जाना आप, वो प्लस भी आएगी, अगर प्लस आई तो ऊपर आ जाएगा, अगर मान लो बी की वैल्यू -2 आ गई तो नीचे आ जाएगा। तो आप देखते हैं बी और सी की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो पहला स्टेप आपको यहाँ क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी आने के लिए क्या लगता है, कॉन्स्टेंट, तो यहाँ मैं कॉन्स्टेंट लगा देता हूँ, के एम की पावर बी और ए की पावर सी इक्वेशन 1। और यहाँ आप क्या लिखने वाले हो, के इज डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, के कोई डायमेंशन नहीं है। ये आपको देखो, ये स्टेप आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये कॉन्स्टेंट के बारे में हमें कुछ नहीं बताता। जैसे मैं आपको बता के हटाऊँ कि इसके लिए सरकमफ्रेंस है 2πr। अब 2π डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, डायमेंशन को उसका कुछ पता ही नहीं है। वो कॉन्स्टेंट निकालने के कोई और मेथड है, वो आप बाद में देखेंगे। चल देखो अभी, तो ये मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया था कि फोर्स डिपेंड ऑन मास एंड एक्सेलरेशन, के कॉन्स्टेंट है। अब क्या करो, इक्वेशन 1 में डायमेंशन यूज करो दोनों साइड के, यूजिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ओके, तो फोर्स के डायमेंशन क्या है, m1 l1 t -2। के को क्या लिखा, के कोई डायमेंशन नहीं है, तो के तो डायमेंशन है ही नहीं। मास के मैं पुट कर रहा हूँ, मास के डायमेंशन है m और उसकी पावर क्या है, b। एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या है, l t -2 और उसकी पावर क्या ली हमने, c। ध्यान से देखो भी, मास के डायमेंशन m थे, उसकी पावर b हमने ली थी, एक्सेलरेशन के डायमेंशन l t -2 थे, उसकी पावर आपने c ली थी। तो अभी इधर देखो क्या आएगा, m1 l1 t -2, इधर आ गया एम बी, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो एल की पावर सी और टी की पावर -2 सी। ओके, अब इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी याद करो, जो डायमेंशन एल एच एस के हैं वही डायमेंशन आर एच एस के होने चाहिए। तो अगर इधर एम की पावर 1 है तो इधर भी 1 होनी चाहिए, अगर इधर एल की पावर 1 है तो इधर भी 1 होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग पावर्स, देखो पहले मैं एम की कंपेयर कर रहा हूं, यहां एम की क्या है 1, इधर क्या है b, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब यहां से देखो, किसी से l की कंपेयर करो, l की इधर क्या है 1, इधर क्या है c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1। मैं -2 से कर देता हूँ, t की पावर कंपेयर करो, इधर क्या है -2, उधर क्या है -2 c, तो यहां से भी c इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो b और c की वैल्यू क्या आ गई 1। इसको इक्वेशन 1 में यूज करो, यूजिंग इन इक्वेशन 1। तो क्या फॉर्मूला आएगा, देखो F इज इक्वल टू के एम की पावर 1 ए की पावर 1, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, के एम ए। तो अगर आपको न्यूटन फॉर्मूला याद है जो अपन 9th में करते थे कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, बाद में ये आता था, याद करो वहाँ कॉन्स्टेंट क्या लेते थे 1, तो यहाँ कॉन्स्टेंट कितना है 1, तो फोर्स क्या आने वाला है एम ए। मैं आपको फिर बता दूं, ये मुझे अलग से बताए, डायमेंशन कुछ नहीं बता सकते कॉन्स्टेंट के बारे में। ओके, तो फॉर्मूला देखो कैसे ड्राइव करते हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ये चीज़ इस पे डिपेंड करती है, फॉर्मूला ड्राइव करो। तो सिंपली आपने क्या करना है, दोनों साइड के डायमेंशन पुट करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। चलो एक नंबरिकल और करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा और जो भी डाउट रहेगा। देखो ये तो सिंपल था, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं है। पेंडुलम सबने देखा है, पेंडुलम नहीं देखा तो मैं आपको सिंपल बता दूं, जो पार्क में बच्चों वाला झूला लगा होता है दैट इज कॉल्ड पेंडुलम, उसको आप पेंडुलम कहते हैं, जो घड़ी के नीचे आप किसी मास को धागे से बांध के लटका दो दैट इज कॉल्ड पेंडुलम। तो मैंने ये रस्सी से मास लटका दिया एम, रस्सी की लेंथ है सपोज कितनी एल और ये मास है एम। अब देखो इस पेंडुलम को अगर ऊपर जाएगा तो इसको नीचे कौन खींचता है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका टाइम निकालना है कि एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है। एक साइकिल समझो, पेंडुलम यहाँ से चलता है, यहाँ पे घूम के वापस आएगा तो एक साइकिल। आपने स्विंग देखे हैं, देखो ये मैं स्विंग देने की ट्राई करता हूँ इसको पेन को, तो यहाँ से शुरू होगा तो वापस कब आएगा, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो वी नीड टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, मीन्स एक साइकिल यहाँ से पेंडुलम चलेगा तो घूम के यहाँ कितने टाइम में आएगा। अब वो टाइम पीरियड किस किस चीज़ पर डिपेंड कर सकता है, देखो डोंट वरी पेपर में गिवन आएगा, पर मैं आप थोड़ा आप सोचने की ट्राई करो, पेपर में गिवन आएगा किस किस पे डिपेंड करता है। तो टाइम पे डिपेंड कर सकता है मास पे, लेंथ पे और एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, और इसके अलावा कोई चीज़ है नहीं। हाँ, एयर रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो, पर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं। ओके, तो मैं फिर बता दूं, ये आपको गिवन आएगा कि वो किस किस पे डिपेंड करता है, बुक उठाओगे तो आपको बहुत पता चलेगा। तो टी क्या है अपना,
टाइम पीरियड. नाउ लिसन द क्वेश्चन, मैं आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन. क्वेश्चन इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन मास, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ड्राइव फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड टी टाइम पीरियड है, एल लेंथ है स्ट्रिंग की, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे तो डिपेंड करेगा क्योंकि वापस ही वेल आ रही है, और एम क्या है मास. अब हो सकता है कि वो मास पे भी डिपेंड करे, हमें नहीं पता, हमें लगता है कि वो मास पे डिपेंड करेगा क्योंकि बच्चा छोटा बैठा है तो टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, थोड़ा भारी बैठ गया तो कुछ भी. तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करता है, मास पे, लेंथ पे और जी पे. तो टाइम पीरियड डिपेंड, इसको अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मत समझो, इसको समझो डिपेंड. टाइम पीरियड डिपेंड ऑन मास, लेंथ एंड जी. अब एम की पावर मैं ले लेता हूँ ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी. तो हमें करना क्या है, ये ए बी सी की वैल्यू निकालनी है एनी हाउ. ओके, फर्स्ट स्टेप प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या लगता है, कांस्टेंट. तो मैंने के लगा दिया, एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी, इक्वेशन वन. एंड व्हाट इज दिस के, दिस इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जिसके कोई डायमेंशन नहीं है. फॉर एग्जांपल पाई, जैसे मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, 2, 3, 4 ये सब डायमेंशनलेस कांस्टेंट है. नाउ यूजिंग डायमेंशन बोथ साइड्स, यूजिंग डायमेंशन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन. तो देखो टाइम, टाइम तो टाइम है, टाइम के डायमेंशन क्या होते हैं, टी वन, एम जीरो, एल जीरो. टाइम में एम जीरो एल जीरो है. इधर के तो डायमेंशन ही मास के, एम की पावर ए, लेंथ के, एल की पावर बी. एक्सेलरेशन के डायमेंशन होते हैं एल टी माइनस टू और उसकी पावर क्या है सी. देखो यहाँ एम था, उसकी पावर ए आ गई, लेंथ की पावर बी आ गई, और जी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के डायमेंशन होते हैं एल टी माइनस टू उसकी पावर सी. तो इधर देखो एम की पावर ए, एल की पावर क्या आएगी बी, इधर से क्या आने वाली है एल की सी और टी की माइनस टू सी. अब जो बेस एम है उनको ऐड कर दो, तो एम की पावर ए, एल की पावर बी भी है सी भी है, तो एल की पावर होने वाली है बी प्लस सी और टी की पावर क्या है माइनस टू सी. तो ये एम जीरो एल जीरो टी वन, ये फॉर्मूला आ गया. अब देखो जो पावर एम की इधर है वो इधर होनी चाहिए, जो एल की इधर है वो इधर होनी चाहिए. तो अब क्या लिखेंगे अपन, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कंपेयरिंग पावर्स. ओके, तो सबसे पहले मैं एम की कंपेयर कर रहा हूँ. देखो एम की पावर इधर क्या है, ए, इधर क्या है जीरो, तो ए की पावर, ए की वैल्यू तो जीरो आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई जीरो. ओके, अब आप कंपेयर कर रहे हैं देखो एल की, एल की पावर इधर क्या है जीरो, इधर क्या है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आ गया. अब टी की भी एक बार कंपेयर करो, टी की इधर पावर क्या है वन, इधर क्या है सॉरी सी था भी यहाँ पे माइनस टू सी. ओके, तो C की पावर क्या आ गई माइनस वन बाई टू, तो C की वैल्यू क्या आ गई देखो टू इधर जाएगा माइनस वन बाई टू. यहाँ से देखो तो जीरो इज इक्वल टू B और C की वैल्यू क्या है माइनस वन बाई टू, तो B की वैल्यू क्या आ गई वन बाई टू. तो हमारा मेन मोटिव था ए बी सी की वैल्यू निकालनी, A की वैल्यू है जीरो, B की आई है वन बाई टू, C की आई है माइनस वन बाई टू. इन तीनों को यूजिंग A B एंड C इन वन, ये इक्वेशन जो अपनी थी जो शुरू में आई थी उसमें पुट करना है. तो टाइम पीरियड क्या आएगा, के एम पावर जीरो, ए की वैल्यू जीरो, एल पावर वन बाई टू और जी पावर माइनस वन बाई टू. ये आ गया. अब यहाँ देखो किसी की पावर जीरो का मतलब क्या होता है वन, तो मास तो गया, तो के एल की वन बाई टू, अब जी की माइनस वन बाई टू क्या है नीचे जाके वन बाई, ऊपर माइनस वन बाई टू डिनोमिनेटर में ले आओ. अब किसी की भी पावर वन बाई टू का मतलब होता है रूट, क्या मतलब होता है रूट. तो टाइम पीरियड क्या आ गया देखो, के रूट एल बाई जी, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया. पेपर में इतना छोड़ सकते हो आप, बाय द वे बता देता हूँ यहाँ कांस्टेंट है टू पाई, यहाँ कांस्टेंट क्या है टू पाई, मुझे किसी और मेथड से पता जो आप लेटर ऑन फिजिक्स में पढ़ोगे, पेपर में आप इतना छोड़ सकते हो, कांस्टेंट की वैल्यू आपको नहीं पता होगी. तो टाइम पीरियड क्या आएगा, टू पाई रूट एल बाई जी, ये डायमेंशन की लिमिट है, अभी लिमिट है देखो, लिमिटेशन थी वो कांस्टेंट के बारे में अपने को कुछ नहीं बताता है.
ओके तो कोई भी फॉर्मूला कुछ भी आएगा, देखो तो आपको करना क्या है, जैसे एक मैं आपको न्यूमेरिकल देने की ट्राई करता हूँ, अब उसको देखो फिर उसको आप ट्राई करना। ओके मैं आपको कुछ भी दे देता हूँ, देखो बुक में देखोगे ना बहुत सारे, कोई भी मैंने आपको दे दिया कि सिंपली जैसे वेट मैं आपको कहता हूँ कि एरिया ओके ऑफ सर्कल डिपेंड ऑन रेडियस, तो एरिया डिपेंड ऑन रेडियस, रेडियस की पावर आपको नहीं पता, उसको ए लिख देता हूँ, ये आप ट्राई करना सॉल्व करने की, करना क्या है ए के आर की पावर ए, नाउ फाइंड ट्राई टू फाइंड आर की पावर ए, ए की वैल्यू निकालने की आप ट्राई करो। ओके तो देखो मैंने डायमेंशन के यूज़ बताए थे, डायमेंशन के यूज़ क्या है, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, और दूसरा क्या बताया था टू ड्राइव फार्मूला। अब मैं दूसरा भी ये कन्वर्ट यूनिट सिस्टम वाला भी आपको डाल के दिखाता हूँ, लेक्चर अपलोड करूँगा उसके बाद आप लाइव क्लास में डाउट लेंगे। ओके ओके तो प्लीज़ गो थ्रू योर बुक्स, ड्राइव फार्मूले वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बुक से जितने न्यूमेरिकल कर सकते हो उतने आपको करने हैं, ट्राई करना है इसको करने की। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर तक मैं देखता हूँ कब अपलोड करता हूँ, प्लस टू का बना रहा हूँ, तो आप प्लीज़ उसको देखना। ओके बाय।